हेलो सज्जनों और सज्जनियों, जवान दिल से बूढ़े और बूढ़े दिल से जवान, और हमारी वीडियो में गलत कमेंट करने के ख्याल से आने वाले मेरे लाडलो, आप सभी का हमारी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन लेकिन, लेकिन उससे पहले आप हमारे इंस्टा और डिस्कॉर्ड सर्वर को फॉलो करना ना भूले। तो चलो शुरू करते हैं। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, अरे ऐसे थोड़ी होए करे। तो कैसे कहवे हैं रे छोरेटो, मारो इंट्रो चला दीजो रे। सो भाइयो, वीडियो की शुरुआत में हम स्कूल उतरते हैं और यहाँ पर आई होती है कम से कम दो स्क्वाड। तो ना हमको लूट मिलती है और ना ही हमारे पास हीलिंग होती है, तो कैसे हम सरवाइव करेंगे आप सभी देखना। और साथ ही साथ में जो लास्ट जोन की इंटेंस फाइट होगी, आप सभी को कसम से ना मजे आ जाने वाले हैं। जो तुम्हारा भाई हैकर की तरह डीपी चलाएगा ना, कसम से कह रहा हूँ आप मजे आ जाएंगे और आपको लाइक करे बिना जाओगे नहीं। तो चलो भाई वो वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई इसको उजी मिल गया, ये किल निकाल लेगा। जो मालूम था अब नॉक हो रहा है ये। भाई कौन नॉक मार दिया? अबे और कहां कूदे हैं बे? कहां है कहां है कहां है, मुझे बताओ मुझे बताओ। तो ये दो थे, फिर भी दिल टूट गया होगा ना आपका। तो पीछे का दिल मेरा। तो भाइयों यहाँ से हम स्कूल में जितने बंदे आए होते हैं उनको खत्म करते हैं। सिर्फ दो ही बंदे आते हैं, उनको हमारे टीममेट्स मार देते हैं और हम सीधे अपार्ट्स के जरिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बंदे आए होते हैं और पहले से फाइट चल रही होती है और यहाँ पर जो ही स्कैम होने वाला है हमारे साथ, आप सभी देखते रह जाना कि दो दो स्क्वाड हम पे सीधा सीधा पुश करेगी और यहाँ पर हमारे दो टीममेट की हालत खस्ता होने वाली है। रेड के पास बंदा है। तो भाइयों यहीं पर रेड भाई के ऊपर कोई और स्क्वाड ही रेड मार देती है और उनको सीधा सीधा नॉक फिनिश कर देते हैं। हम होते हैं पार्ट्स में जिसकी वजह से हम कवर नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे सामने ही बंदे और हमारे पीछे ही बंदे। तो गाइस क्या लगता है हम यहाँ से इनको मार के निकल पाएंगे कि नहीं? तो वीडियो में आगे तक देखते रहना आप। मेरे पे एमो नहीं है। भाई ये कहां से पड़ी? भाई ये कहां से पड़ी इसको? वॉच आउट मार दिया। रुको चॉक्सी भी मुझे वो तो दे दो एमओ। तो भाई यहाँ पर कुछ गलत सीन हो जाते हैं, पीछे से एक स्क्वाड आती है और उसके साथ साथ हमारे पास ना तो हीलिंग होती है और ना ही लॉन्ग रेंज की गन, तो कैसे हम इनको मार पाएंगे कि ये हमें मारेंगे, आप वीडियो में देखते रहना। एक मिनट चुप रहना। किधर से ले लो इसमें से। Mark the location.
सोलो ही लग रहा है। बॉक्स भी अपनी ये वाली ले लेना यहीं से। K9 अपनी फेंक दी। लो नीचे कूद गया नीचे गाड़ी बग्गी उठा ली। पता नहीं यार स्कोप क्यों खुल जाता है वैन से। तो भाई जो रोमन को पीछे से मारते हैं उनको तो हम मार देते हैं। ये बंदे ना कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहे थे, मगर इनको ये नहीं पता था कि अगर तुम रैंक पुशर हो ना तो हम भी कोई कम नहीं है। तो भाई इनको खत्म करते हैं, बट अभी भी सामने एक स्क्वाड बचती है जो कि फायर पे फायर कर रही है। ये 7 की गन ले लो क्योंकि मैं ये उठा रही हूँ। एमओ दो उसकी गन दिख रही। भाई लोग ये अपार्ट्स के बंदे हिलने को नहीं हो रहे थे, बट हम थोड़ा सा दिमाग लगा के पूरा राइट से फ्लैंक मार के इनके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास हाइट का एडवांटेज हो जाता है और प्लस में हमको पता है ये बंदे बाहर नहीं निकलेंगे जब तक ये हमारी गाड़ी का साउंड नहीं सुनते। भाई लोग जो सोचा था वही हुआ, बंदे गाड़ी लेने के लिए आए और हमने इनको ऊपर से ढप्पा कर दिया। भाई लोग ये जो डीपी का स्प्रे था वो आप स्टार्टिंग वाला डीपी का स्प्रे ना समझना, क्योंकि ये स्प्रे थोड़ा बेकार था मुझे भी पता है, बट एक बंदा हम उतार देते हैं दूसरे बंदे को बिल्कुल लो एचपी करते हैं और बट उस बंदे वो बंदा निकल लेता है अपने टीममेट को बिना बचाए। जैसे हम इसको ख़त्म करते हैं हम जोन की तरफ निकलते हैं। इतने बंदे इतने से छोटे जोन में भाई बड़ा खतरनाक सीन होने वाला है। हम प्रेडिक्शन करते हैं और बिल्कुल सेंटर वाला घर, अगर आप भी रैंक पुश कर रहे हैं सेंटर होल्ड कीजिए, क्योंकि कहीं से भी जोन बनता है आपके आसपास होता है। अरे अरे अभी कूद जाती। अब लास्ट में देखना हमारा सेंटर होल्ड करने में कितना फायदा होता है, कि हम सेंटर में होल्ड करते हैं सारे बंदे जोन के बाहर होते हैं और सबके किल्स हमको मिलते हैं। आप भी अगर रैंक पुश कर रहे हैं तो आप भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं अगर आप सेंटर होल्ड कर लेते हैं तो। तो गाइस यहां से मैं कुछ नहीं काटने वाला, आप पूरी फाइट देखिए, बड़ी इंटेंस फाइट है, आप सभी को मजे आने वाले हैं क्योंकि जोन से भगते हुए बंदे आएंगे सारे के सारे किल्स तुम्हारा भाई निकालेगा यहां पर और क्या ही डीपी चलाएगा। आप सभी भी ये कहने वाले हैं कि भाई ये तो हैकर है।
एक आखिरी बनानी पड़ेगी। कहाँ पर? यार ये फुल सिक्स एक्स कैसे हो रखा है? हाँ हाँ ठीक है। हाँ भाई हैकर है, भाई हैकर भाई कवर में मार दिया। भाई स्मोक भी नहीं करने दिया इसने तो मुझे। साले कहाँ से डीपी बजा रहा है? मेरी कार 98 वेस्ट जाएगी, रुक जा भाई मैं आ रही हूँ। वही देख रही हूँ, आप पीछे देखो मैं इधर से देख रही हूँ। Marked a location. मूर्ति बना के बैठे होंगे कहीं। साला ओम चमका रहा है यहाँ। इलायची का डालती है इसमें? छोटी वाली इलायची कितना मिलेगी? तब छोटी वाली हरी इलायची। Marked a location. अभी कह रहे हो इधर देख। मेलारी का बनाना शुरू कर दियो। कितने कम बोला? चले गए। तू लेके आता हूँ मैं। बॉडी। मैं जाता हूँ सामान लेकर, ठीक है? ऐसे ही बैठा रहता हूँ, आप जाओगे तो नहीं? बस ठीक है, तो मैं ऐसे गेम ऑन करके जाऊँ। तो फिर वो बैंडे बैंडे क्या कर रहा है? बहन का लोड़ा मार। मार्क्ड लोकेशन। यार हर जगह बंदे हैं, हर जगह बंदे हैं। तब से देखो जहाँ स्मोक हुआ है उसके पीछे है बिल्कुल। बोरा जस्ट एक बॉडी पड़ा उसको। अंदर की अलग वो तो करने देता हूँ। रुको 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 जरा हेल्प कर लूँ मैं। इसके पास रिजिज है पंदर के पास। ओके ये पहली बार है कि यहाँ पे हेल्प ही नहीं है। नीचे आऊं क्या? Marked a location. तो बॉडी पड़ा है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं
अरे अरे आऊं। मार्क द लोकेशन। हेल्थ नहीं है डॉक्टर ने नाम से। सामने पेटी बनी तो है। ये वाला बंदा कहाँ है? ये रिजिस दिखा 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 दिखा। इसका बंदा साइड में लेटा हुआ है, साइड में लेटा हुआ है। अरे भाग रहा है, भाग रहा है, मारते मारते ही देखो। अब तो देखो यही भाग रहा है। वैन तो रहा है। टॉक्स में इस साइड कोई भी नहीं है। अब तो मैं लूट के आ जाऊं पेटी। इस साइड साइड वॉच आउट। कवर देना। अब बच के रहो, बच के रहो। वैन तो बॉम्ब पड़ी है इसमें। अब आओ फॉलो। तो भाई लोग यहाँ पर पूरी स्क्वाड के चार बंदे बचे होते हैं। हमारे पास ना तो हेलमेट टूटती है, ना ही वेस्ट होती है, ना ही हीलिंग होती है, ना ही स्मोक होते हैं। तो भाई लोग क्या लगता है आप सभी को, यहाँ पर हम बच पाएंगे कि नहीं? एक ही है। लो लो कहाँ करो, लो इधर आओ। मैं इधर हूँ। Marked a location. दो बंदे बैठने का ध्यान से। तो भाई लोग यहाँ पर हमारा चिकन डिनर नहीं हो पाता क्योंकि स्मोक की कोई इज्जत ही नहीं है। स्मोक के आर पर कोई भी एडजस्ट कर ले रहा है। कोई दिक्कत नहीं भाई लोग, अगर आपको ऐसे इंटरेस्ट वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड चैनल भी बने रहना। अगली बार से और भी इंटेंस मैच आपको देखने को मिलेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।